अरे वो तो देगी ही ना, क्या करेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ना आया है। 2015 का विधानसभा चुनाव याद करिए, 2015 के विधानसभा चुनाव में ये सब लोग साथ थे एनडीए के, और जिनको अभी उन्होंने वाई प्लस की सुरक्षा दी है वो तो कितना सीट लड़े थे और कितना जीते, शून्य पर आउट हुए थे। तो इसलिए ये सब काम है उनका, ये सब चलता रहता है। सर बजट बजट को लेकर भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास बिहार सरकार जाएगी कटोरा लेके, कुछ तो है नहीं बजट में। बजट में हमारे यहाँ से जो बजट में है वो केंद्र के भरोसे चला रहे हैं क्या? बिहार में जो हर घर नल का जल योजना चला, हम एक योजना की सिर्फ बात कर रहे हैं, ये 2015 में इस सरकार ने घोषित किया और उसको पूरा कर लिया। केंद्र की सरकार ने इस योजना को 2019 में एडॉप्ट किया और केंद्र सरकार ने कई चिट्ठियां लिखी बिहार सरकार को, लोकसभा में भी यह मामला उठा कि हमसे भी कुछ केंद्र के सहयोग ले लीजिए जल जीवन मिशन में, लेकिन बिहार की सरकार ने कहा कि एक रुपया नहीं लेंगे आपसे, एक छदाम नहीं लेंगे आपसे, अपने बलबूते पर हम ये काम करेंगे, क्योंकि आप कुछ पैसा दे दीजिएगा, कहिएगा कि तो मेरा ही योजना है हम ही दिए। अरे जो देना है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वो क्यों नहीं दे रहे हैं, जिससे बिहार का भला हो, पिछड़े राज्य का भला हो, और सिर्फ बिहार ही नहीं अन्य भी पिछड़े राज्य हैं, सबको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। सर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई है। अरे छोड़िए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी अभी उधर गए हैं तो क्या बोलेंगे, और बोलने के लिए उनके पास है क्या? लॉ एंड ऑर्डर जाके, उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली में रहते हैं ना, तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जाके देखें। केंद्र सरकार को धन्यवाद देने लगे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद तो देंगे ही, तो कहाँ जाएंगे, जाएंगे उनके गोद में तो उनका स्तुति नहीं करेंगे तो क्या मिलना है उनको, कुछ मिलना तो है नहीं, स्तुति तो करना ही पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनी है, उनका कहना है 2024 की झलक बीजेपी। मेघालय में तो अभी गए थे ना इस देश के गृह मंत्री इस चुनाव प्रचार में, मेघालय के चुनाव प्रचार में, और उन्होंने ये कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री जो हैं इस देश के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं। और अभी कहाँ बैठे हुए थे 3 दिन पहले, कहाँ बैठे हुए थे, सपोर्ट नहीं कर रहे, वहां जाके बैठे हुए हैं ओथ में, शपथ ग्रहण में। तो यही इनका है, तो क्या करिएगा इनके बोलने का। राहुल गांधी लंदन में जिस ढंग से बोले हैं लोकतंत्र पर खतरा है, इसको किस ढंग से? देखिए अब उनकी उनकी इच्छा है।